भारतीय दंड संहिता की दो महत्वपूर्ण धाराएं धारा 379 और धारा 411 के बारे में। जिस तरह की आप जानते हैं कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत चोरी करना एक गंभीर अपराध है और जिसके अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 379 का प्रोविजन किया गया है, जिसके अंतर्गत चोरी करने वाले को 3 साल तक के कारावास का प्रावधान है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति यदि चोरी किए सामान को खरीदता है, यानी कि व्यक्ति ये जानते हुए कि यह सामान जो मैं खरीद रहा हूं वह चोरी का है या यह व्यक्ति इसका मालिक नहीं है, उस अवस्था में किसी सामान को खरीदता है, उसका उपयोग करता है या अपने पास रखता है, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के अंतर्गत दोषी साबित होगा और उसमें 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों की सजाओं से दंडित किया जा सकता है। यह बता दूं कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एक नॉन वेलेबल ऑफेंस है, जिसके अंतर्गत पुलिस थाने से जमानत नहीं मिलती है, जमानत का लाभ इसमें न्यायालय के द्वारा ही मिलता है। इस तरह अगर किसी व्यक्ति को चोरी का सामान खरीदते हुए या उपयोग किए करते हुए पाया जाता है तो यह एक संगीन अपराध की श्रेणी में है। इसमें अगर प्रॉपर्टी का मालिक, जो संपत्ति का मालिक है, वह चाहे तो इस केस के अंदर समझौता कर सकता है। लेकिन यह बता दूं मैं आपको कि चोरी का सामान खरीदना या जानते हुए कि वह चोरी का सामान है या वह व्यक्ति उसका मालिक नहीं है, अपने आप में एक संगीन अपराध के रूप में शामिल है। तो इस मैटर में विशेष रूप से यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति से चोरी का सामान ना खरीदें, और यदि किसी व्यक्ति से कोई सामान खरीदते हैं तो उससे संबंधित उसका बिल और सामने वाले का आईडी प्रूफ जरूर लें, ताकि भविष्य में आप दिक्कत में न पड़ सके। और यदि भविष्य में अगर इस प्रकार का मुकदमा आपके ऊपर दर्ज होता है तो आपको यह साबित करना भारी पड़ सकता है कि यह सामान चोरी का नहीं है और मैं मुझे नहीं मालूम था कि यह सामान चोरी का था और मैंने खरीद लिया है, यह साबित करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 379 में जिस तरह चोरी करना एक अपराध है, उसी तरह दंड संहिता 411 के अंतर्गत चोरी का सामान खरीदना एक दंडनीय अपराध में शामिल है। इसी प्रकार के कानूनी अपडेट हमारे चैनल पर दिए जाते रहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार के अपडेट आपको मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।